हेलो प्यारे बच्चों, रिलायबल इंस्टीट्यूट आपके लिए लेकर आया है विन यानी व्हाट इज नेक्स्ट सीरीज ऑन बाइनोमियल थ्योरम। इसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको रिकॉल करने हैं और बताने हैं कि नेक्स्ट क्या आएगा। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपके पास, x प्लस वाई पावर एन में टी आर प्लस वन टर्म क्या है? जल्दी से रिकॉल करेंगे व्हाट इज नेक्स्ट फॉर दिस। आंसर इज एन सी आर, एक्स पावर एन माइनस आर वाई पावर आर। नेक्स्ट आपको व्हाट इज नेक्स्ट बताना है कि एक्स 1 माइनस एक्स पावर माइनस एन में मॉड एक्स अगर 1 से छोटा है, नेचुरल नंबर है, तो एक्स पावर आर का कोफिशिएंट क्या आएगा? जल्दी से रिकॉल करिए एंड द आंसर इज एन प्लस आर माइनस 1 सी आर। व्हाट इज नेक्स्ट फॉर इफ एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इस एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स होनी चाहिए? एंड द आंसर इज एन प्लस के माइनस 1 सी के माइनस 1। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और व्हाट इज नेक्स्ट हम बताते हैं कि अगर x प्लस वाई पावर n है मिडिल टर्म, अगर आप निकालना चाहते हैं तो k की क्या वैल्यू आप लेना पसंद करेंगे, k की क्या वैल्यू आनी चाहिए? तो बच्चों अगर k इवन नंबर है तो आंसर है n प्लस 2 बाई 2, और अगर n ऑड नंबर है तो आंसर आएगा n प्लस 1 बाई 2 या फिर n प्लस 3 बाई 2, दोनों ही मिडिल होंगी। यानी कि x प्लस वाई पावर 10 की बात करेंगे तो 10 प्लस 2 बाई 2 करना है, यानी कि आपको सिक्स्थ टर्म जो है वो मिडिल मिलेगी। और अगर x प्लस वाई पावर 11 करते हैं तो 11 ऑड नंबर होने की वजह से आपको एक तो 11 प्लस 1 बाई 2 यानी एक सिक्स और एक सेवन्थ, दोनों टर्म मिडिल टर्म मिल जाएंगी। नेक्स्ट बच्चों आपको बताना है कि NCR मैक्सिमम कब होगा, आर कितना लेना पड़ेगा, टेन सी आर मैक्सिमम करना है, आर कितना चाहिए? तो आर की वैल्यू जो होगी वो 10 का हाफ कर दीजिए। तो अगर अपन आर को एन बाई 2 ले लेते हैं तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, और ऑड नंबर के लिए या तो एन माइनस 1 बाई 2 या फिर एन प्लस 1 बाई 2। थैंक यू।